वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी ठाकुर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग में हैं कोविड की वजह से। बहुत दिन हो गए हैं, एक महीने से मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं वो आ ही नहीं रहे, मतलब एक एक करके प्रोडक्ट आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो एक मंथ पहले आ गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी आए हैं, एंड कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग में हैं, पता नहीं कब आने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डेट बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लग रहा है मुझे इतने का शेयर कर देना चाहिए, एंड जो धीरे धीरे आते रहेगा मैं फिर उसका अलग से हॉल बना दूंगी। तो अभी जितना है उतना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत लेट हो रहा है और बहुत दिन भी हो गए हैं ये प्रोडक्ट आए हुए। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं मीशो क्या है तो मैं बता देती हूँ। मीशो इंडिया का नंबर वन रील सेलिंग ऐप है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं एंड बेच भी सकते हैं, और वहाँ से कम मंथ में 20 से 25 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। तो आप, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि आप घर बैठे कैसे मीशो से अच्छा खासा 20 से 25 हज़ार महीने का कमा सकते हैं, किस तरीके से खरीद सकते हैं, किस तरीके से बेच भी सकते हैं। तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। फिलहाल हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले मैं हमेशा जैसा कि बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और सो मेरा जो भी नोटिफिकेशन आने वाला रहेगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एंड अगर इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो मैं उनका कोड डाल दूंगी, क्योंकि मीशो का कोई लिंक नहीं होता है, कोड होता है, तो मैं कोड डाल दूंगी। आप वहां से जाकर कोड के थ्रू आप ये सारी चीज़ें अगर अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं अपने लिए, या फिर आप इनको सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ये ब्लैक साड़ी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। मैं इसको पहन के इसका फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लोगे कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा। एंड मैं इन सब का प्राइस स्क्रीन पे डालती रहूँगी, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे प्राइस अच्छे से याद नहीं है। तो ये साड़ी है ना, फुल साड़ी में ऐसे वर्क आने वाले हैं, रेशम एंड सिक्वेंस का वर्क है, रेशम एंड सिक्वेंस का वर्क है, ज़्यादा भद्दा भी नहीं है एंड ज़्यादा वर्क खाली भी नहीं है। तो पार्टी वियर साड़ी है, और साड़ी को अभी खोल के दिखाती हूँ। तो ये है इसका पल्ला, ये पल्ला का साइड है, ये देखिए, एंड पूरे साड़ी में ये वर्क आने वाला है। ये जो है ये चुन्नट का है, तो पूरे साड़ी में आपको आने वाला है, पूरे साड़ी में आप देख सकते हैं नीचे तक ऐसे आने वाला है, एंड नीचे कट वर्क का बॉर्डर है, देख सकते हैं आप। ये पार्टी वियर बेसिकली साड़ी है, पार्टी वार्टी में पहनने के लिए बेस्ट साड़ी है। एंड मेरे पास ब्लैक साड़ी नहीं था, मुझे काफ़ी दिन से मन था ब्लैक साड़ी लेने का, तो अभी मैं ले रही हूँ। पहले न्यू शादी हुआ था मेरा, तो पहले लेने नहीं देते थे घर वाले एंड पहनने भी नहीं देते थे, लेकिन अब मैं ले रही हूँ। एंड ब्लैक साड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अभी तक, मुझे शादी के 4 साल हो गए लेकिन अभी तक मैं ब्लैक साड़ी पहनी भी नहीं हूँ, ली भी नहीं हूँ। तो ये फर्स्ट मेरा शॉपिंग है ब्लैक साड़ी का, और ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इन सब का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इनका मटेरियल भी चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट के पास। तो अगेन ये भी ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है, और ये भी मुझे इंस्टाग्राम पे ही दिखा था, तो वहाँ से तो मुझे मन था लेने का, बट वहाँ से मुझे रिप्लाई नहीं आया। मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी उनको, बट उनका रिप्लाई नहीं आया, बट खोजते खोजते आखिर ये साड़ी मुझे मिल ही गया। और ये साड़ी मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इसका हाई सोसाइटी लुक है, थोड़ा सा मतलब इसको किटी पार्टी वगैरह में आप आराम से पहन सकते हैं एंड नॉर्मल पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हैं। मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसका जो कपड़ा है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला है, जॉर्जेट है लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा वाला कपड़ा नहीं बोलूँगी मैं, इसका कपड़ा मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे इसका जो कपड़ा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन हाँ साड़ी का जो स्टाइल है, जो लेस है, ये सब मुझे अच्छा लगा है। बस मटेरियल जो है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जिससे मैं ना खुश हूँ। बाकी सब साड़ी जो है प्लेन, पूरा प्लेन साड़ी आएगा ऐसे ही, एंड पूरे साड़ी में ये ऐसे वर्क आएगा बॉर्डर का, बस ऐसे है। ये अगेन ये भी सीक्वेंस एंड रेशम के धागे का कढ़ाई हुआ है, तो ठीक है साड़ी ओके है, बट थोड़ा सा मैं नाखुश हुई थी। तो सेकंड साड़ी ये है, अभी मेरी 2-3 साड़ी और पेंडिंग में है मीशो की, मैं बहुत सारी साड़ियाँ, मेरे इस बार मेरा मन था मैं हल्का साड़ी लूँगी, 2-4 मेरे पास हल्का साड़ी नहीं था, तो अभी आएगा तो मैं फिर उन सबका भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इनको आए बहुत लेट हो गया है। तो ये है ग्रीन साड़ी, और ये साड़ी मुझे बहुत, जबकि उनसे सस्ते में ये साड़ी पड़ा था, लेकिन इसका क्वालिटी भी मस्त है, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये कभी नहीं झड़ने वाला ये है पेंट, हाँ पेंट वर्क ही इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं है,
नहीं आजकल ऐसा साड़ी बहुत चल रहा है, और अभी सावन आ रहा है तो सावन में ग्रीन साड़ी अच्छा लगता है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं ग्रीन मंगाई हूँ। तो पूरे साड़ी में आपको ऐसे ही मिल जाएगा सब। पूरे साड़ी को मैं पहन के इधर डाल दूंगी फोटो, आप उससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये पहनने के बाद कैसे दिखेगा। एंड पूरे साड़ी में आपको इस टाइप का बॉर्डर आ जाएगा पतला सा, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी। कपड़ा का जो क्वालिटी है ना, गर्मी में पहनने के लिए बेस्ट है, ये आपको चुभेगा नहीं। तो गर्मी में आप आराम से, अगर हाउस वाइफ हैं एंड आप ससुराल में वेस्टर्न नहीं पहनते हो, साड़ी ही पहनते हो, तो उनके लिए ऐसा कपड़ा पहनना बेस्ट है, तो आप प्लीज़ जाके बाय कीजिएगा। एंड अभी तो फिलहाल मेरे पास 3 ही साड़ी है, उसके अलावा उसके बाद मेरे पास है ये गाउन टाइप का, बीच में कट है बना हुआ है। इस ड्रेस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। इसका भी कपड़ा गाइस बहुत अच्छा है, आई थिंक ये भी मुझे 400 या 500 के करीब में मिल गया था। मैं यहाँ पे सबका रेट एंड कोड डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो अभी इनकी प्राइस क्या है। तो इसका ये बाजू जो है वो पूरा फुल बाजू आने वाला है, एंड ये बीच में आपको इस टाइप का बटन मिल रहा है, एंड ये बीच में ही कट है। मैं इसको भी पहना हुआ इसका फोटो डाल दूंगी, एंड ये फुल आपको आने वाला है, फुल गाउन की तरह ये आपको आने वाला है। एंड इसका कपड़ा का मटेरियल अगर की बात करें तो बेस्ट है गाइस, बहुत अच्छा कपड़ा है, चुभने वाला नहीं है, गर्मी में आप आराम से इसको पहन सकते हैं। तो ये है, एंड उसके बाद मैं बहुत सारे इयररिंग्स भी ऑर्डर करी थी वहाँ से, तो अभी तक नहीं आया है। तो अभी फिलहाल मुझे एक ही इयररिंग रिसीव हुआ है, तो मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड मुझे अभी फिलहाल ना मुझे ये क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर इयररिंग, सिल्वर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे फिलहाल पसंद आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा ये पेच भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पेच भी दिया है, इतने कम प्राइस में एक्स्ट्रा पेच भी, अच्छा है यार। तो क्या गिरा, एंड ये आप देख सकते हैं इस टाइप का है। मैं खोल के दिखाती हूँ, इस टाइप का और भी इयररिंग ऑर्डर करी हूँ वहाँ से, तो अभी तक नहीं आया है, आएगा तो मैं उनका भी शेयर करूँगी। एंड बहुत ही प्यारा ये इयररिंग लगा था मुझे, आया था जब रिसीव हुआ था मुझे, मतलब जैसा मैं देखी थी वैसा सेम आया हुआ है इयररिंग, देख सकते हैं आप। अभी सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है सिल्वर, तो मुझे भी मन हो रहा था सिल्वर लेने का। हाँ, फिफ्थ प्रोडक्ट ये था हमारा, एंड इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। 3 शॉर्ट्स मैं मंगवाई हूँ वहाँ से, एंड इन सब की भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक ये मुझे 199 यानी 200 में ये मुझे मिला था। एंड इन सब का कोड के साथ साथ पिक, रियल पिक भी मैं डाल दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड ये है, एंड इन सब में ना इस टाइप का ये पट्टी भी दिया हुआ था, मैं इनका रियल पिक यहाँ पे डाल दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पहनने के बाद कैसे लगने वाला है। तो इसमें ऐसे ये पट्टी लगा हुआ था, आप चाहो तो इनको भी ऐसे पहनने के बाद बेल्ट को ऐसे आगे बांध सकते हो, तो बेल्ट आगे बांधने वाला है, या फिर साइड में बांध सकते हो। तो इसमें सबसे अच्छी बात है आपको पॉकेट मिल रहा है, दोनों साइड पॉकेट मिल रहा है, तो ये है। एंड एक और ये शॉर्ट्स है हमारे पास, तो ये दोनों तो एक साथ मिला था, दोनों एक साथ में आई थिंक 200 कुछ में पड़ गया था मुझे। तो आप देख सकते हैं चेक चेक सा बना हुआ है, एंड इसमें भी अगेन पॉकेट दिया हुआ है, इसमें बेल्ट था आई थिंक, हाँ ये देखिए इसका बेल्ट ये है, तो इसमें भी अगेन बेल्ट दिया हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये शॉर्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एंड पहली बार मैं शॉर्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई हूँ। तो बस इतना ही था, कैसा लगा मेरा ये सब प्रोडक्ट आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो जाके शॉपिंग भी कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आप
आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर फर्स्ट शॉपिंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फ्री मिलेंगे, उसके अलावा 30% ऑफ आपको मिलेगा। तो प्लीज़ रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी डाल दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो जाके देख लीजिएगा। तो उसके थ्रू आप जाके शॉपिंग करते हैं तो अच्छा खासा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड अगर आपको शॉपिंग करना है तो मैं वो भी बता दूँगी कि आपको शॉपिंग कैसे करना है, आप कैसे वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद आपको ढेर सारी कैटेगरीज दिखने लगती हैं। तो यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, तो हम कैटलॉग पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे आपको ढेर सारी वैरायटीज़ की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एथेनिक ड्रेस, वोमेन मैन, बच्चों के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी आपको लेना है उस पर आप क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वोमेन वेस्टर्न पे क्लिक कर रही हूँ एंड क्लिक करने के बाद ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उनमें से कोई सा भी आप क्लिक करके उसमें से अपने साइज का करके उसे कार्ट में ऐड कर सकते हैं। कार्ट में ऐड करने के बाद आपको चेकआउट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक ही प्रोडक्ट आप ख़रीद सकते हो। तो उसके बाद आपको ढेर सारे पेमेंट का ऑप्शन आता है, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अगर आप खुद के लिए ख़रीद रहे हो तो जितने प्राइस का है उतना ही डाल देंगे, अगर आप बेच रहे हो तो 20 से 25 रुपये आप उसमें मार्जिन अपना ऐड करके इसे बेच सकते हो। तो ये जो 20 से 25 रुपये आप ऐड करोगे ये आपका खुद का पैसा होगा या आपकी खुद की ओरिजिनल कमाई होगी। तो ऐसे करके इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको एड्रेस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे है ऐड टू न्यू एड्रेस, या फिर आप जो एड्रेस सेव की हो उस पर भी आप कर सकते हो, या फिर आपको नए जगह पे बेचना है तो नया एड्रेस बना लेना है।